स्मार्टफोन्स हम सभी 2 से 3 साल में ज़रूर बदल देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल आई थिंक बहुत होता है। उसके बाद हम ऐसी कई मिस्टेक्स करते हैं जो हमें स्मार्टफोन बदलते वक्त या अपने स्मार्टफोन को बेचने से पहले ध्यान रखनी चाहिए और जिन बातों का हम ध्यान नहीं रखते। आज की वीडियो में हम आपको ऐसी ही उन बातों के बारे में बताएंगे, वो टिप्स बताएंगे जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने स्मार्टफोन को बेचने से पहले। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा शुरू करते हैं। नया फोन आने की खुशी में हम भूल जाते हैं कि उस पुराने फोन पे ध्यान ही नहीं रहता है, और नए फोन में हम अपनी आईडीज, अपनी सोशल मीडिया अकाउंट्स लॉगिन कर लेते हैं और फिर हम नए फोन को ही इस्तेमाल करने लगते हैं। पुराने फोन से हमारा मतलब खत्म सा हो जाता है, लेकिन जब हम उसे बेचने जाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि यार इसमें मेरी आईडी लॉगिन है, अभी मुझे उसे रिमूव करना था। हम फिर बाद में कोई और तरीके से उसे रिमूव करें, दूसरे फोन में लॉगिन करके उसे फिर रिमूव करें, तो वो वाली बात नहीं आती। इसलिए आपको करना ये चाहिए अपने स्मार्टफोन को बेचने से पहले कि अपने स्मार्टफोन में जितनी भी अकाउंट्स लॉगिन है, सोशल मीडिया अकाउंट्स, उन सभी को खुद मैन्युअली लॉग आउट करें और उसके बाद उस एप्लीकेशन को अपने स्मार्टफोन से डिलीट कर दें और उसका सारा डेटा, जो भी ऐप डेटा था, वो भी क्लियर ऐप डेटा ज़रूर कर दें। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको ध्यान रखना है, आप जो भी नया स्मार्टफोन पे स्विच करते हैं तो आप अपना सारा डेटा ट्रांसफ़र कर लें, किसी एक बैकअप ले लें अपने डेटा का। ऐसा ना हो कि आप गलती से अपना सभी इंपॉर्टेंट डेटा गवा बैठें या फिर आपका वो डेटा उस पुराने स्मार्टफोन के साथ ही किसी और के पास चला जाए। इसलिए अपने स्मार्टफोन का पहले बैकअप लें, फिर उसके बाद कोशिश ये करिए कि आप किसी लैपटॉप या किसी हार्ड ड्राइव में भी उसका एक बैकअप ले लें, जिससे फॉर द सेफर साइड, अगर आपका बैकअप आपके क्लाउड में सेव नहीं हुआ या गलती से क्लाउड में पूरी तरह से सेव नहीं होता है, तो आपके पास एक बैकअप आपके लैपटॉप या हार्ड ड्राइव में होना ज़रूरी है। उसके बाद आप उस स्मार्टफोन को बेच सकते हैं। तीसरी टिप आपके लिए यह है कि जो आपका पुराना स्मार्टफोन है उसकी कॉल लॉग्स और कॉल हिस्ट्री को आप खुद मैन्युअली डिलीट ज़रूर करिए। उसके बाद जाके एप्लीकेशंस में अपने उस कॉल एप्लीकेशन का भी डेटा, क्लियर डेटा ज़रूर करना ना भूलें, क्योंकि होता क्या है, हम उसे क्लियर नहीं करते हैं, हम उस पॉइंट पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते, और जब हमारा स्मार्टफोन किसी और के पास चला जाता है और वो हमारे डेटा का इस्तेमाल करने लगता है, तब हमें याद आता है कि हमने ये गलती कर दी है। चौथी टिप आपके लिए है कि अपनी सभी आईडीज को ध्यान से डिलीट करना ना भूलें। आपकी गूगल आईडी के अलावा भी ऐसी कई आईडीज हैं, जैसे वीवो आईडी होती है या सैमसंग की आईडी होती है, तो उन आईडीज को भी ध्यान से लॉग आउट कर दें, क्योंकि होता क्या है, आपका फ़ोन में आपकी आईडी लॉगिन रह जाती है, जिसकी वजह से आपका डेटा दूसरे कंज्यूमर, जो भी उस फ़ोन को ख़रीदेगा आपसे, उस तक पहुंच जाता है और आपका डेटा फिर रिस्क पे होता है, वो आपके आईडी से कुछ भी गलत करने की चेष्टा कर सकता है। पांचवी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए है कि अपने स्मार्टफोन को किसी ट्रस्टेड वेबसाइट के जरिए बेचें। ओएलएक्स जैसी कई वेबसाइट्स आपको मिलती हैं जिनके थ्रू आप इन्हें बेच सकते हैं। ये ना करें कि आप दुकान पे गए और आपने दुकानदार से कहा और उसने आपका स्मार्टफोन बिकवा दिया, या फिर आपने खुद ही अपने दोस्तों के जरिए किसी कंज्यूमर को ढूंढ लिया जिसे दूसरा स्मार्टफोन चाहिए। उससे होता क्या है, अगर गलती से भी आप अपना स्मार्टफोन में कुछ डिलीट करना भूल गए, जैसे आपकी कोई प्राइवेट फोटो उसमें रह गई है या आपकी कुछ अकाउंट लॉगिन रह गए हैं, या आप उसे डेटा रीसेट मारना भूल गए, और अगर एक बार उस कंज्यूमर के हाथ में वो फोन लग जाता है तो वो आपके डेटा का नाजायज फायदा उठा सकता है। इसलिए आपको करना यह है कि ओएलएक्स जैसी कई ऐसी वेबसाइट्स मिल जाती हैं जिनके थ्रू आप अपने स्मार्टफोन को बेच सकते हैं, और इन वेबसाइट्स का फायदा यह है कि आपने जिसको भी अपना स्मार्टफोन बेचा है, आप उसकी सारी डिटेल्स उस वेबसाइट के जरिए ढूंढ सकते हैं, उसको वापस ढूंढ सकते हैं, और अगर वो आपके फ़ोन के जरिए, आपके डेटा के जरिए कोई गलत काम कर रहा है, तो आप कंप्लेन करके अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं। लास्ट टिप आपके लिए है कि दोस्तों अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट जरूर करें। इन सब चीज़ों के बाद आपको अपने स्मार्टफोन को फैक्ट्री डेटा रीसेट करना है, और उसके बाद ऐसा नहीं सोचना है कि हो गया और इसे देख के ख़त्म करो, नहीं, आपको एक बार अपने स्मार्टफोन को वापस रीचेक करना चाहिए। हर एक चीज़, जो भी पॉइंट हमने ऊपर बताए, इन सबको एक बार रीचेक करिए, उसके बाद अपने स्मार्टफोन को आप बेच सकते हैं। तो दोस्तों ये बताई मैंने आपको वो टिप्स जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अपने स्मार्टफोन को बेचने से पहले। ये गलतियां आप ना करें। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है वीडियो तो लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब आपने अगर चैनल को अब तक नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और कॉमेंट करके बताइए कि आप इनमें से कौन से टिप्स अब तक भूल रहे थे और अब ध्यान रखेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर कई अच्छी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, उन्हें देखिए और अपने घरों में कोरोना से सुरक्षित रहिए।